देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे कार्यकर्ताओं में बढ़ता जा रहा है, देखने को मिल रहा है जिस तरीके से उत्साह बढ़ रहा है, उससे हमको बिल्कुल ये जो हम जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में जहाँ कांग्रेस का अस्तित्व ख़त्म हो गया है, बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, उनके जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बेईमानी और जिस तरीके से पूरे देश में आज अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है, उससे जिस तरीके से लोग परेशान हैं, गरीब आदमी भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, प्रोफेशनल्स भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो आज इस हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जो कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो अब की बार अवश्य चौंकाने वाला रिजल्ट देगी और हम लोग सरकार बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सर, कब तक जो आपके प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं? देखिए, ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ख़त्म होने दीजिए और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम भी आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह से बीजेपी 75 बार का नारा दे रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी तो एक आध जगह आपने शायद सुना नहीं, बीजेपी ने एक आध जगह 100 पार भी कह दिया था। उनके एक नेता कह रहे थे हम 100 से ज़्यादा सीट लाएंगे, 90 सीटें हैं लेकिन 100 लाने का भी वादा कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। कोई बीजेपी तो आज पूरे देश में, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज अगर जिंदा है तो वो इसी वजह से, क्योंकि अपने झूठे बातों, झूठे वादों की वजह से, कि लोगों को धोखा देने की वजह से, जिसको बरगला करके वो लोग वोट लेने की कोशिश करते हैं। ये बीजेपी 4 सीट से कभी ज़्यादा हरियाणा में नहीं पाई थी, पिछली बार ये 47 सीट पाए थे और अब की बार बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उसके साथ में लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से हमको उत्साह मिल रहा है, जिस तरह से लोग बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं, जो मिल रहे हैं लोग हम लोगों से, उनका उत्साह हम देख रहे हैं, उससे हमको ये बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी अब की बार 75 छोड़िए, वो फिर वापस 4 पे पहुँच जाएगी और बहुजन समाज पार्टी अब की बार सरकार बनाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं आचार संहिता में लगने में देरी सामने आ रही है। देखिए, आचार संहिता की देरी क्यों है ये पूरे देश को मालूम है, क्योंकि बीजेपी को अपनी घोषणाएं झूठी, अपना लोगों के कार्यक्रम, अपने नेताओं के, यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी जहाँ चुनाव है, वो उसी में लगे हुए हैं, जबकि वो जानते हैं कि अब एक दिन भी और डिले होगा तो चुनाव जो जिस दौरान में हो जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से, वो करा पाना इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अपना चाहती है कि अपने सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वादे हैं, झूठे वादे हैं, उन और नेताओं की बातें, वो पूरा करा करके तब घोषणा करवाए। सर, कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जो आपकी पार्टी है उसका गठबंधन होता है, बाद में टूट जाता है, क्या? देखिए, गठबंधन हमारा, इसके पहले तो जो गठबंधन था, कोई विधानसभा गठबंधन तो एक ही यही हुआ था, अभी जो हुआ था आपके सामने रखा गया था, लेकिन जो गठबंधन हुआ था, जिस चीज़ को ध्यान में रख करके किया था, हम लोग तो नेशनल पार्टी हैं, वो तो अभी नई जन्मी पार्टी थी हरियाणा में, लेकिन ये वादा था कि अब की बार हमारे, अगर आप हमारे साथ गठबंधन करेंगे तो हमारा जो बिखरा हुआ परिवार है, पार्टी दोनों बिखर गई हैं, ये एक हो जाएंगे। और इसीलिए इस उम्मीद से कि ये जिस जो उन्होंने कहा था कि हम लोग उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बल्कि जब उन्होंने तीन कहा था कि मैं तो तुरंत ये 3 दिन 5 दिन के अंदर आप नतीजा देख लेंगे, उसकी जगह कई दिनों तक इंतज़ार कर लिया और बल्कि तनाव बढ़ गया, इतना तनाव आपस में बढ़ गया कि दोनों ही पार्टियाँ बिखर गई हैं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हम अपने हिसाब से चुनाव इसीलिए लड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सब हमेशा से 90 सीटों पर लड़ते आ रहे हैं, अब की भी 90 सीटों पर लड़ेंगे, हम किसी पार्टी को
आपस के परिवार को जोड़ने या जिंदा करने के उसी खेल में फंसे रहें और उधर चुनाव निकल जाए, ये गलती हम लोग नहीं करने। सर एक सवाल और, सर आपकी पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे और जो है किसी और के साथ जो है कांग्रेस के साथ? हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं जाएगी, कांग्रेस पार्टी के साथ तो जाने का ही सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, तो कांग्रेस पार्टी तो सिरे से झूठी है, वो तो धोखेबाज है, धोखा देने का काम करती है। वो पहले गिड़गिड़ा के आते हैं बहुजन समाज पार्टी के पास, उनकी नेता के पास, कि आप जो है हमारा साथ दे दीजिए, आप ये जो सामंतवादी ताकतें हैं उनको दूर करने के लिए हमारा साथ दे दीजिए, और जब उनका साथ दे दिया जाता है तो उसके बाद वो धोखा देने का काम करते हैं। आपने देख ही लिया राजस्थान में किस तरह से धोखा दिया, इसके पहले भी उनकी हरकतें रही हैं, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, धोखा देने वाली। तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किसी और पार्टी के साथ भी जाने का प्रश्न नहीं उठता। हम लोग के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या चल रही है, जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं यहाँ पर, जिस तरह से एससी एसटी और ओबीसी और अपर कास्ट का भी जो गरीब आदमी है, और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम फरसे से गर्दन काट देंगे, क्योंकि वो मुकुट पहना रहे थे, उनको वो मुकुट हल्का लगा, तो शायद इसलिए उन्होंने नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर के उनका गर्दन काट देंगे। तो ये सारी चीज़ें आम जनता देख रही है, और इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग भी आम जनता के बीच में। सर हरियाणा में क्या बहन कुमारी मायावती की बड़ी रैलियाँ देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी आपको, आप इंतज़ार करिए, अभी इलेक्शन अनाउंस तो होने दीजिए, फिर आपके पास सब कार्यक्रम आएंगे, ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।